सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन इज़ इन द डायग्राम फॉर पेप्टाइड शोन डायग्रामो एंगल फाइव रिप्रेजेंट बॉन्ड बिटवीन ठीक है जो एंगल फाइव है उसका बॉन्ड यहाँ पे पूछा गया है सो सी इन दीख दिस डायग्राम यहाँ पे ठीक है एन है यहाँ पे सी है जो फर्स्ट कार्बन है ठीक है तो यहाँ पे है ये अल्फ़ा कार्बन वेन द बॉन्ड बिटवीन एंड एंड अल्फा कार्बन कार्बन मेड दिस बॉन्ड इज नोन एज फाय ठीक है इसको हम फाई कहते हैं और जो बॉन्ड बनता है अल्फा कार्बन और सी के बीच में इसको हम कहते हैं साय सो so, ये जो दोनों रूट एंगल्स हैं राइट इन दोनों एंगल्स में क्या होता है रोटेशन जो होती है वो अलाउड होती है एज यू कैन सी इन द डायग्राम ठीक है एक एंगल है और एक फाई एंगल है इन दोनों में रोटेशन अलाउड होती है ठीक है वन एटी डिग्री और जीरो डिग्री ठीक है ये दोनों ही वन एटी डिग्री और जीरो डिग्री पे क्या कर सकते हैं रोटेट कर सकते हैं और जो ओमेगा जो है ठीक है यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है बिकॉज यहाँ पे जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे आ जाता है इसकी वजह से पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है तो यहाँ पे पूछा है कि जो एंगल है वो कौन सा होता है दैट इज एन एंड अल्फा कार्बन सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रामचंद्रन प्लॉट ग्राफिकली शोज

पॉसिबल uh, क्यों नहीं है राइट right? तो इसका सीधा सीधा जो आंसर है दैट इज टू एटम्स कैन नॉट अकुपाई द सेम स्पेस ठीक है जो दो एटम है ठीक है जो, जो टू है ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो कंपाउंड उसके जो टू एटम्स है ठीक है वो क्या नहीं कर सकते हैं वो सेम टाइम पे सेम uh, जगह ठीक है सेम टाइम पे सेम स्पेस जो है वो ऑकुपाई नहीं कर सकते हैं इसलिए जो और जो एंगल्स हैं ठीक है उनकी और जो ऑल जो कम्बिनेशन होती हैं वो पॉसिबल नहीं होती है ठीक है इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट राइट यहाँ पे एक पेप्टाइड यूनिट दी गई है दैट इज सी अल्फा सी डैश ओ एन एच एंड सी अल्फा इज प्लेनर ड्यू टू ठीक है तो यहाँ पे पूछा है कि ये प्लेनर क्यों है ठीक है Why this is planar? Because अब देखो जब रोटेशन होती है ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पे यहाँ पे है ठीक है phi एंगल है ठीक है सी अल्फा और एन के बीच में सॉरी phi एंगल है ठीक है और सी अल्फा और सी के बीच में phi एंगल है और सी ठीक है और ये वाला जो सी है और N ये वाला N है ठीक है इसके बीच में कौन सा है ओमेगा तो यहाँ पे क्या है अल्फा एंड सी डैश ठीक है ये वाला एंगल है तो ये कौन सा एंगल बन जाता है दैट इज साय और सी डैश और एन के बीच में ये कौन सा एंगल है दैट इज ओमेगा राइट एंड एन एंड सी डैश ठीक है ये कौन सा है दैट इज फाइव तो क्या है इसके बीच में ही ओमेगा जो एंगल है वो बन चुका है और ओमेगा जो एंगल है वहां पे क्या होता है वहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है ठीक है रिस्ट्रिक्शन होती है वहां पे रोटेशन अलाउड नहीं होती नो रोटेशन जोन ये है जब ये बीच में ही जो ओमेगा एंगल बन गया तो यहाँ पे रोटेशन नहीं हो सकती तो रोटेशन क्यों नहीं हो सकती रोटेशन अराउंड जो सी डैश और एन है यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है ठीक है इसकी वजह से क्या है ये जो पेप्टाइड यूनिट है कि ये प्लेनर है ठीक है ये पेप्टाइड यूनिट क्या है ये, ये प्लेनर है? है राइट

रामचंद्रन प्लॉट का वो कौन उपाय करता है This greatest area occupied by glycine, जो ग्लाइसिन होता है वो ग्रेटेस्ट एरिया उपाय करता है रामचंद्रन प्लॉट का क्योंकि वो एक्टिवली ठीक है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ठीक है दट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और वहां पे क्या होता है मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है क्योंकि वहां पे जो आर ग्रुप है ठीक है वो ये स्टेर, ये आइसोमेरिज्म इसमें प्रेजेंट नहीं होता है है ठीक और वहां पे जो है आर ग्रुप की जगह पे वहां पे कौन होता है वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होती है तो जो ग्लाइसिन है वो मैक्सिम एरिया रामचंद्रन प्लॉट में क्या करता है अकुपाई करता है राइट

अमीनो एसिड अगर मैं बात करूँ रामचंद्रन प्लॉट में सो दैट इज प्रोलिन प्रोलिन में जो है ठीक है वो अल्फा इमिनो एसिड ही होता है और ये होता है ठीक है और जो इसका फाय एंगल होता है राइट दैट इज सी अल्फा और एन के बीच में एंगल होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है वो फिक्स होता है एक जगह पे ठीक है तो उसमें सिर्फ एक ही एंगल होता है दैट इज साय जो कि रोटेट कर सकता है इसलिए जो प्रोलिन होता है ठीक है वो होता है लीस्ट ऑक्युपाइड इन द रामचंद्रन प्लॉट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अलाउड रीजन इन द रामचंद्रन मैप विल बी फॉर ठीक है इनमें से जो एरिया है रामचंद्रन मैप में ठीक है कौन से लीस्ट होगा तो ग्लाइसिन के लिए तो सबसे ज्यादा होता है ठीक है एलिन के लिए भी होता है तो लीस्ट तो इसके लिए नहीं है प्रोलिन के लिए लीस्ट होता है बट क्या है इन दोनों ऑप्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो जो अल्फा मिथाइल एल वेलिन है ठीक है इन दोनों में क्या है ठीक है जो प्रोलिन है प्रोलिन के कंपैरिजन में जो अल्फा मिथाइल एल वेलिन है ठीक है इसका जो आ, रीजन होता है रामचंद्र प्लॉट में वो लीस्ट होता है एज कम्पेयर टू प्रोलिन क्योंकि वहां पे एक मिथाइल ग्रुप है ठीक है वेलिन में अगर यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप है तो वो क्या करेगा वो ज्यादा जो है हिंड्रेंस पैदा करेगा ठीक है ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा करेगा ठीक है स्ट्रक्चर डिसप्टर वहाँ पे बनेगा तो उसका जो रीज़न होगा इन रामचंद्रन प्लॉट में वो क्या होगा वो लीस्ट होगा तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर दैट इज अल्फा मिथाइल एल वेलिन तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइ एंड साइ वैल्यूज ऑफ बीटा स्ट्रेंड कंपोज्ड ऑफ डी अमीनो एसिड विल मेनली अकुपाई द रामचंद्रन प्लॉट राइट आप यहाँ पे इंस्टाग्राम में देख सकते हो ठीक है अगर जो एल अमीनो एसिड है ठीक है वो अगर अल्फा स्टैंड यहाँ पे पूछा होता ठीक है अल्फा स्टैंड पूछा होता फाइ और साय का तो उसका मतलब है कि वो दोनों की वैल्यू जो है फाइ और साय की ठीक है वो क्या होती वो नेगेटिव में होती है ठीक है अगर अल्फा पूछा होता तो दोनों की यहाँ पे नेगेटिव में होती बट यहाँ पे क्या है ठीक है तो और तो अगर ये नेगेटिव में होती तो ये लोअर जो लेफ्ट है ठीक है पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ ठीक है ये है अपर लेफ्ट और ये है अपर राइट ठीक है और ये है लोअर लेफ्ट और ये है लोअर राइट ठीक है तो अगर ये जो है नेगेटिव में वैल्यू होती मतलब यहाँ पे अगर एल अमीनो एसिड होता डी की जगह पे ठीक है तो दोनों वैल्यू जो है नेगेटिव आती तो यहाँ पे जो ये लोअर लेफ्ट लेफ्ट रीजन है तो यहाँ पे ये मेनली जो क्या करते हैं इस एरिया को ये अकुपाय करते हैं बट ये क्या है ठीक है ये जो डी जो है डी अमीनो एसिड जो है ये क्या है ये मिरर इमेज है एल अमीनो एसिड की दैट मीनस ये कहाँ पे अकुपाय करेंगे इन द लोअर राइट रीजन ठीक है ये कहाँ ऑक करेंगे लोअर राइट रीजन में तो आपका जो सही उत्तर है ठीक है योर करेक्ट आंसर इज फोर्थ दैट इज लोअर राइट रीजन ठीक है और अगर क्या होता ये जो डी uh, एसिड है ठीक है डी अमिनो एसिड अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे अल्फा स्टैंड पूछा होता ठीक है अगर यहाँ पे अल्फा स्टैंड पूछा होता अल्फाइ uh, और वैल्यूज़ का तो ये जो डी अमिनो एसिड थे ठीक है ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती ठीक है और ये कहाँ पे ऑक्युपाई करते हैं इन द अपर राइट रीजन में ठीक है तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द पाइरोलिडिन रिंग ऑफ द प्रोलीन इज रिड्यूस्ड टू अ लीनियर टू लीनियर फॉर्म द न्यू अमीनो एसिड विल हैव ठीक है जो प्रोलीन है ठीक है अगर उसमें जो पायलो पायरोन जो रिंग होती है उसको हम रिड्यूस कर ले और लीनियर बना दे ठीक है वो होती अगर हम उसको लीनियर बना दे तो इनमें से ठीक है इनमें से क्या है जो की, जो कि कि पॉसिबिलिटी आपको लग रही है कि वो हो सकता है कंस्ट्रेंड फायदेन प्रोलिन नो कंस्ट्रेंड सान प्रोलिन नो रिलैक्स फायदेन प्रोलिन यसमें जो, जो एंगल है वो प्रोलिन से क्या होगा रिलैक्स हो जाएगा ठीक है प्रोलिन से ज्यादा वो रिलैक्स होगा सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड्स इन रामचंद्रन प्लॉट ठीक है इनमें आपको जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज uh, करनी है ठीक है पेप्टाइड्स आर अनस्ट्रक्चर्ड विल हैव ऑल द बैकबोन डाईहाइड्रल एंगल्स इन डिस रीजन ठीक है तो यहां पे पहली बात एक्सट्रीम वर्ड है ऑल तो तो ये स्टेटमेंट वैसे इनकोरेक्ट हो जाता है ठीक है so, सो यहाँ पे अलाउड रीजन होना था इट इज नॉट पॉसिबल टू कंक्लूड टू कंक्लूडरली शीट कन्फर्मड ये वाला स्टेटमेंट भी कंप्लीटली इनकोरेक्ट है बीटा टर्समेशन फॉर्मेशन इन द

तो यहाँ पे बताया है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ठीक है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है वो तो यहाँ पे होते हैं यहाँ पे होते हैं राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ठीक है और जो ए है यहाँ पे होती है बीटा स्ट्रैंड्स ठीक है बीटा स्ट्रैंड यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे होते हैं कोलेजन यहाँ पे कोलेजन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो सी है यहाँ पे होते हैं लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ठीक है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे बीटा शीट्स होती हैं साथ में यहाँ जैसे कोलेजन है ठीक है यह लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है और ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है ठीक है ये आपका सही हो जाता है दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द प्रोटीन कंफर्मेशन इज नॉट ट्रू ठीक है इनमें से जो कौन सा जो प्रोटीन कन्फर्मेशन है वो ट्रू नहीं है ठीक है सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डाई एंगल्स ऑफ साइड चेन इन द अमिनो एसिड्स

यहाँ पे नॉट रू पूछा है तो यहीं से आपका आंसर निकल जाता है दैट इज फर्स्ट सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं तो आप आ, uh, जो तो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आई विल ट्राई टू गिव ऑल द आंसर और राइट सो थैंक यू सो मच थैंक यू और थैंक यू ऑल फॉर टूडे थैंक यू